नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, 3 दिन बाद कुल्लू पंडू सड़क मार्ग खुल गया है। ये बड़ी खबर, 1000 से अधिक वाहन जो फंस गए थे उन्हें मंडी भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मंडी से अभी कुल्लू आ रहे तेल के टैंकर, तो ये कुल्लू पंडू सड़क मार्ग को यहाँ पर बहाल कर दिया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी जब आने आए थे तो उन्होंने हमें निर्देश दिए थे कि तुरंत आप जाइए, और कुछ ट्रैफिक आने की तरफ मोड़ा गया और रात को कुछ ट्रैफिक यहाँ से मंडी की तरफ निकाला गया। लेकिन अभी मुझे खुशी है कि यहाँ पे आज मौसम ने सबसे बड़ी बात है कि साथ दिया है, लेकिन उसके साथ में आज काफी सुचारू अभी डीजल भी निकल जाएगा, LPG भी निकल जाएगा। कोई कुल्लू में हमारे लाहौल में किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तेल भी आ रहा है और जो यहाँ पे गाड़ियां रुकी पड़ी थी 3 दिन से, वो अभी निकलने शुरू हो गई है और हमें उम्मीद है कि आज सारी चीजें ठीक हो जाएगी। कुल्लू प्रशासन और मंडी प्रशासन के बीच में तालमेल बिल्कुल बैठ गया है और पूरी अतिरिक्त बल भी यहाँ पे आएगा और हमारे PWD विभाग के लोग भी काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ दिन रात सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे सहयोगी मनविंदर अरोड़ा जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। कुल्लू पंडू सड़क मार्ग यहां पर बहाल कर दिया गया है। मनविंदर, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो NH 22 तारीख से जो बंद पड़ा था और उसके बाद इसको खोलने के लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन खराब मौसम के चलते इसे शुरू नहीं किया गया था। हालांकि जो वैकल्पिक मार्ग 500 मीटर का जो ट्रैक था वो तैयार किया गया था, लेकिन वहाँ फिसलन होने की वजह से गाड़ियों की जो आवाजाही नहीं हो पा रही थी। इसके बाद जो है कुल्लू से जो पंडों के बीच में करीब 1000 जो वाहन वो फंस गए थे। और आज बहुत बड़ी खबर ये आई कि हालांकि इसमें जो CPS सुंदर ठाकुर हैं वो कोई इशू और प्रशासनिक अमला जो कुल्लू और मंडी का वो वहाँ पे मौके पर मौजूद रहा, जिसके प्रयासों के बाद जो आज रोड इशू हो पाया। जिसके बाद सबसे पहले आज डीजल के टैंकर और जो सब्जी की गाड़ी जो काफी दिनों से यहाँ पे फंसी हुई थी उन्हें निकाला जा रहा है और जो और दूसरी व्हीकल जो है आपको धीरे धीरे उन्हें भी निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनविंदर अरोड़ा। तो एक बार फिर से यहाँ पर कुल्लू पंडू सड़क मार्ग को यहाँ पर बहाल कर दिया गया है। 1000 से अधिक फंसे वाहनों को यहाँ पर मंडी के लिए भेज दिया गया है। तो चलिए अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ा अपडेट आपके सामने। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 9 पर भारी लैंडस्लाइड का ये मामला सामने आया है। मलबा गिरने के बाद ये रास्ता एक बार फिर बंद हो गया है। बीते दिनों ही इसको खोला गया था, लेकिन एक बार फिर से रास्ता बंद हो गया है। तो ये बड़ी खबर, मंडी में आपदा आने के बाद चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 9 एक बार फिर से ये बंद हो गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर लैंडस्लाइड हुआ, और लैंडस्लाइड होने के बाद ये भारी भूस्खलन होने की वजह से ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। सैकड़ों वाहन यहां पर फंसे होने की खबर है। एक बार फिर से ये रास्ता बंद हो गया है, नेशनल हाईवे 9। मंडी में प्राकृतिक आपदा के बाद से भारी भूस्खलन हुआ, भूस्खलन में कई सड़क क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं नेशनल हाईवे 9 चंडीगढ़ मनाली ये पूरी तरह से यहां पर बंद हो गया है। इस रास्ते को बंद होने के वजह से कई वाहन फंसे हुए हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मवीर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, एक बार फिर से ये रास्ता बंद हो गया है नेशनल हाईवे 9, क्या कुछ जानकारी है? ये बता दें कि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जो बीती रात को खोल दिया गया था और यहाँ से जो पिछले 4 दिन से फंसे हुए वाहन थे उनको निकाला जा रहा था, सुबह के टाइम जो है एक बार फिर से जो बंद हो गया था। फिलहाल अभी जो है नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। अब जो है यहाँ से करीब 12 से करीब वाहनों को जो कुल्लू की तरफ फंसे हुए थे या पंडोह की बात की जाए, अथलौट की बात की जाए, वहां पे फंसे हुए थे उनको निकाला जा रहा है। उपायुक्त मंडी सहित CPS सुंदर सिंह ठाकुर भी मौके पे पहुंचे थे और उन्होंने भी जो वहां पे परिस्थितियों का जायजा लिया है और वाहनों को जो यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। इसके बाद जो है जो वाहन सुंदर नगर या नीरचौक या फिर मंडी शहर की ओर फंसे हुए हैं कुल्लू जाने के लिए उन्हें वहां से भेजा जाएगा। वैकल्पिक मार्ग की बात की जाए कुल्लू कोटौला की, उस मार्ग पर भी जो है कार्य जारी है और उस मार्ग को खोलने के लिए भी जो जद्दोजहद जारी है, मशीनरी मौके पर तैनात है।
दोनों मार्गों को खोल दिया जाएगा और मंडी में जो है आवाजाही जो फिर से कुल्लू जिला के लिए शुरू हो जाएगी। जी धर्मवीर, यहाँ पर ये भी खबर है कि सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, किस तरह से उनका खाना पीना पहुंचने का किस तरह से वहां पर मुहैया करवाया जा रहा है, किस तरह से प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है? ये बता दें कि एक बार नहीं, पिछले दो महीने की बात की जाए या जब से बात की जाए कि बरसात शुरू हुई है तभी से जो है वाहनों का फंसना शुरू हो गया है नेशनल हाईवे पे। इस बार भी जो बारिश हुई थी 22 और 23 अगस्त को, वहाँ भी जो उस बारिश के चलते भी सैकड़ों वाहन यहाँ पे फंस गए थे। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की जानी थी, चाहे रहने की या फिर खाने की, उचित व्यवस्था की गई थी इन वाहन चालकों के लिए। इनका बस यही कहना था कि जल्द से जल्द रोड बहाल किया जाए, क्योंकि इनके ट्रकों की बात की जाए या फिर गाड़ियों की बात की जाए, इस तरह का सामान था, सब्जियां थी, जो कि सड़ना शुरू हो गई थी और विरोध भी करना शुरू कर दिया था इन वाहन चालकों ने। बड़ी मशक्कत के बाद जो बीती शाम को जो इस रोड को खोल दिया गया था और यहाँ से जो है गाड़ियों को निकाला जा रहा था। 9 मील के पास सुबह के समय जो लैंडस्लाइड हुआ था हल्का फुल्का, उस कारण जो है बंद हो गया था, जिस कारण जाम भी लग गया था। अभी जो सूचना मिली है उसके अनुसार जो वाहनों को वहां से निकाला जा रहा है और रोड जो है थ्रू कर दिया गया है। ठीक है धर्मवीर, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मलबा गिरने से एक बार फिर से रास्ता बंद हो गया है नेशनल हाईवे 9। तो चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ा अपडेट आपके सामने। सांसद प्रतिभा सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आपदा पर क्यों चुप है पीएम मोदी, ये प्रतिभा सिंह की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। अपने घर से क्यों गायब है पीएम, ये प्रतिभा सिंह की ओर से ये बयान आया है। सांसद प्रतिभा सिंह ने पीएम मोदी पर यहां पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अपने घर से गायब क्यों है पीएम मोदी। एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। पीएम पर प्रतिभा सिंह का ये हमला देखने को मिला है, अपने घरों से क्यों है गायब, ये लगातार प्रतिभा सिंह की ओर से ये बयान निकल करके सामने आ रहा है। तो पीएम मोदी पर प्रतिभा सिंह ने हमला किया है। हमने केंद्र सरकार से भी ये मसला उठाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बोलते हैं, पिछली इलेक्शन में वो आए थे, उन्होंने यहाँ की सेपू बड़ी की तारीफ की, बदाने की तारीफ की, वो कहते थे ये तो मेरा दूसरा घर है। हमें पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी अपने दूसरे घर के ऊपर भी निगाह डालेंगे और देखेंगे हिमाचल प्रदेश की क्या हालत है, पर हमें अफसोस है इस बात का कि इतना कुछ सुनने और देखने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने एक अक्षर भी हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं कहा। पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। आपदा के बीच हिमाचल में सियासत भी जमकर हो रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखू को सड़क की बहाली को लेकर सलाह दी है। तो उन्होंने कहा है कि सरकार अगर रिस्टोरेशन कार्य बहुत धीरे स्तर पर चला रहा है तो सरकार को युद्ध स्तर पर दिन रात कार्य करना चाहिए। मेरा इस बात के लिए भी आग्रह है कि अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो शरण लेकर के दूसरे सुरक्षित स्थानों पर हैं और हजारों की संख्या ऐसी है जो अभी असुरक्षित भवनों में रह रहे हैं और असुरक्षित गांव में रह रहे हैं, असुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। मेरा प्रदेश सरकार से इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि व्यक्ति की जिंदगी से महत्वपूर्ण कोई नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि जो लोग अस्थाई व्यवस्था के अंतर्गत विस्थापित एक तरह से होकर के दूसरे स्थान पर रह रहे हैं उनके लिए वहां पर माकूल ठीक तरह से रहने की व्यवस्था करें। चार दिन बाद भी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे न खुलने से बाहरी राज्यों में फल सब्जियों की सप्लाई लेकर जा रहे वाहन चालकों का सामना गाड़ियों से सामान सड़ना शुरू हो गया है, जिसके कारण वाहन चालकों ने फल सब्जियों को व्यास नदी में फेंकना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जिला के थलोट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वाहन चालक जीप में लदी सब्जियों को व्यास नदी में फेंक रहे हैं। बता दें कि बीते 22 और 23 अगस्त को हुई भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे और किरतपुर मनाली फोरलेन जगह जगह लैंडस्लाइड होने के कारण से बंद हो गया है। वहीं वैकल्पिक मार्ग बाजार कटोल भी कमान के पास लैंडस्लाइड के कारण बंद है। हिमाचल में बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन हो गया है, जिससे कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं।
रास्ते बंद होने से कई जिलों का संपर्क कटा हुआ है। संपर्क टूटने से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिमाचल में सदी की सबसे बड़ी तबाही प्रकृति ने मचाई है। इस बार हिमाचल में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला। हिमाचल को प्रकृति ने अपनी तबाही के आगोश में पूरी तरह से ले रखा है। जगह जगह होते भूस्खलन, दरकते पहाड़, खिसकती मिट्टी लोगों के लिए आफत का सबब बनकर सामने आई। हिमाचल के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली का भी 3 दिन से दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। कुल्लू मंडी फोरलेन के साथ साथ अल्टरनेटिव सड़क कटौला भी बंद पड़ी है, जिससे कुल्लू और लाहौल स्पीति दोनों जिले पूरी तरह से अलग थलग पड़े हुए हैं। कुल्लू जाने वाले 700 से ज्यादा वाहन मंडी के अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, जिस वजह से कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के लिए 3 दिन से पेट्रोल, डीजल, खाद्य वस्तुओं और LPG सिलेंडर जैसे ना जाने कितनी ही वस्तुओं की सप्लाई नहीं पहुँच पा रही। सर, हमारी गाड़ियां यहां फंसी हुई हैं 4-5 दिन से, कोई गाड़ी 3 दिन से फंसी हुई है। गोभी की गाड़ी फंसी हुई है सर, कुछ गाड़ी वालों ने गोभी फेंक दी है इधर ही, जो खराब हो गई है। कुछ बंदों ने लंगर चल रहा है, लंगर के लिए गाड़ियां दे दी हैं, गोभी ऐसे ही दे दी है लंगर के लिए। मंडी में जगह जगह फंसी गाड़ियों में ज्यादातर ट्रक, टेम्पो और पिकअप वाहन है, जिनमें ट्रांसपोर्टरों ने सामान लोड कर रखा है और इन्हें कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति के अलग अलग क्षेत्रों को जाना है। वाहन चालक 3 दिन से सड़क बहाली का इंतजार कर रहे हैं। फोर लेन बहाली की तो अभी गुंजाइश बहुत ही कम है, लेकिन वाया कटौला होते हुए सड़क आज शाम तक बहाल हो सकती है। मंगलवार रात और बुधवार दिन में हुई बारिश से दोनों सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे बहाली में भी वक्त लग रहा है। जैसे ही हम वहाँ से निकले रात को 10 बजे, तो यहाँ 2 बजे आके फंस गए। हमारी 2 जीपे और एक ये बड़ी गाड़ी HP 3322 लोड की थी हमने वहाँ से, तो उसके बाद यहाँ आके फंस गए। तो हमने सोचा चलो खुल जाता है रास्ता, खुल जाएगा, तो आज हमें 22 तारीख से लेके 25 तारीख होगी यहीं फंसे हुए हैं। 3 दिनों से मंडी से कुल्लू सड़क मार्ग बंद होने के कारण बजौरा में 500 से अधिक गाड़ियां फंसी हुई हैं। सड़क पर खड़े ड्राइवरों को सड़क मार्ग के खुलने का इंतजार है। सैकड़ों वाहन चालकों को अब रेड क्रॉस सोसाइटी 2 समय का भोजन उपलब्ध करवा रही है। वहीं अन्य समाज सेवी भी फंसे हुए वाहन चालकों की मदद कर रहे हैं। मंडी से लेकर बिलासपुर सड़क मार्ग पर भी मंडी पुलिस प्रशासन के 70 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, जो कुल्लू आने वाले वाहन चालकों को सड़क किनारे खड़ा कर रहे हैं। सड़क बंद होने से कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के ज्यादातर पेट्रोल पंप और पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है, क्योंकि बीते 3 दिन से इनकी सप्लाई नहीं हो पा रही, जिससे जिले के लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन तो इधर सब्जी को रखे हुए जी, तो मतलब अभी तक तो कोई ना सरकार की तरफ से ना कोई पंडोह का रोड खोला गया, ना कोई कंडी कटोला वाला थ्रू किया गया। मंडी से लेकर कुल्लू तक सड़क मार्ग में भूस्खलन के कारण कुल्लू जिले में दूर संचार सेवा भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। दूर संचार कंपनियों ने जो लाइनें बिछाई हैं, वो जगह जगह टूट गई हैं, जिस कारण कभी इंटरनेट सेवा बंद हो रही है तो कभी लोगों के फोन से नेटवर्क गायब हो जा रहा है। लोगों को राहत देने के लिए सरकार दुर्गम स्थानों पर हेलीकॉप्टर से राशन और जरूरी चीजें सप्लाई कर रही है। 4 दिन से हम यहाँ पर फंसे हैं, प्रशासन रोड की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, जबकि कम से कम 2 दिन में रोड बहाली होनी चाहिए। वहीं बद्दी में बादल ऐसे बरसे कि चारों ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बारिश से नदियों नालों में उफान आया हुआ है और उफान ने पिंजौर बद्दी नेशनल हाईवे पर बद्दी बैरियर पुल को भी बहा कर रख दिया, जबकि हरियाणा सीमा पर मंढावला पुल, जो NHAI ने अल्टरनेट पुल तैयार किया था, वो भी टूट चुका है, जिससे लोगों को काफी नुकसान और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। नालागढ़ के राम शहर मार्ग पर भारी भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई है। सड़कों पर जगह जगह दरारें आ गई हैं, तो एक बार फिर आवाजाही भी यहां पर ठप हो गई। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने।
शिमला आने जाने वालों को भारी परेशानी हो रही है। नालागढ़ के राम शहर मार्ग पर भारी भूस्खलन हो गया है। सड़कों पर आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपदा ने यहां पर कहर बरपाया है, पूरी तरह से यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग परेशान है, कई मार्ग यहां पर क्षतिग्रस्त हो गया है। लैंडस्लाइड का जो मामला है वो भी सामने आ रहा है, बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही है। तो यहां पर एक बार फिर से सड़कों पर दरारें आ गई हैं। लैंडस्लाइड होने की वजह से आवाजाही बिल्कुल ठप हो गया है। यहां पर लोग परेशान हैं, आने जाने में भारी परेशानी का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर नालागढ़ से, जहां पर भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से एक बार फिर से यहां पर आवाजाही ठप हो चुकी है। शिमला आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल पंजाब को जोड़ने वाला चक्की पुल एक पिलर क्षतिग्रस्त होने की वजह से डेढ़ साल से वाहनों के लिए बंद है, लेकिन अभी तक एनएचएआई ने चक्की पुल का पिलर रिपेयर नहीं किया है, जिस वजह से दोनों और पंजाब और हिमाचल के सीमावर्ती लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को कहना है कि पुल रिपेयर का काम कछुए की चाल से चल रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिक्कत ये जहाँ आ रही है कि ब्रिज के ठीक होते हुए भी ये हमें बाइक जाने से भी रोक रहे हैं, जबकि इनके टिप्पर वगैरह जो हैं, क्या बाइक का वेट और टिप्पर का वेट में कोई फर्क नहीं है क्या सर? हम डेली प्राइवेट काम करते हैं पंजाब में, ठीक है। हिमाचल गवर्नमेंट हमें सरकारी नौकरी तो देने से रही, अगर हम इतने लैंडलॉर्ड होते या सिस्टम होता हमारे पास तो जरूर आज पैदल जाते। लास्ट एक हमारा साधन है ये पुल का, ठीक है। आज हमें इतने राश हो गए हैं कि बता नहीं सकते, लेकिन आज ऐसा ही नौबत आ गया, इसलिए हमने आज थोड़ा सा स्टैंड लिया है। वहीं विधायक राम कुमार ने आज दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोड़ी के गांव नवानगर और माजरी में भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को संभव का आश्वासन भी दिया है। राम कुमार ने कहा कि आपदा के दुखद क्षणों में प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को सरकार सहायता राशि के अनुसार लोगों को राहत दी जाएगी। विधायक राम कुमार ने कहा कि लोगों को सरकार जल्दी जमीन भी उपलब्ध करवाएगी। तो पहले यहाँ माजरी में परसों चौथे तीन चार घर क्लैप्स हुए थे, तो उनको हमने जो राहत देनी थी वो मैंने दे दी थी, अपनी जेब से भी दिया और राशन वगैरह उनको भेजा और प्रशासन ने भी अपना पटवारी जी की रिपोर्ट के आधार पर उनको मदद की है। तो अभी आज पता लगा कि पार्ली साइड से पूरी पहाड़ी जो है वो दर गई है, नीचे बाल खड्ड है कि उसमें डैम नुमा जाम ना लग जाए और पानी ना रुके, उसको उसमें क्या हमें प्रिकॉशनरी हमें क्या कदम उठाने हैं, उसकी वजह से हमारे एसडीएम साहब, एडीएम साहब सोलन यादव जी, बीडीओ साहब हैं, तो हमारे पूरे इंजीनियर्स विंग साथ हैं, आईपीएच डिपार्टमेंट साथ है। तो हम लोगों ने अभी इसको ऑब्जर्व किया है कि ऑब्जर्वेशन में इसको रखेंगे, इसका जो डिसीजन हमने किया है। तो वहीं बिलासपुर में बारिश से प्रभावित 458 लोग 24 राहत शिविरों का जीवन में यापन कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से राहत शिविरों में प्रभावितों को हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, प्रभावितों की समस्याओं का ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिनके मकान गिर चुके हैं या फिर गिरने की कगार पर है, जिसके चलते इन्हें राहत शिविरों में रखा गया है। आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि प्रभावितों की समस्याओं को लेकर वो खुद भी निरीक्षण कर रहे हैं। ज़िला में हमारे टोटल में 24 राहत शिविर हम चला रहे हैं, जो प्रशासन चला रही है अपने माध्यम से, और कुछ एनजीओज भी इसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसमें 7 राहत शिविर जो है वो सदर में है, 12 राहत शिविर जो है वो गुमारवी में है, और 5 राहत शिविर जो है झंडुत्तम में है। नैना देवी में कोई राहत शिविर नहीं चल रहा है। तो इसमें हमारे टोटल में 458 लोग जो है अभी हमारे यहाँ रह रहे हैं वहाँ पर राहत शिविर में, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वहाँ पर, जिनके घरों में अभी भी खतरा मंडरा रहा है या तो उनके घर गिर गए हैं। तो कल भी हम कंदरौड के राहत शिविर में गए थे, जहाँ पर हमने लोगों में राशन सामग्री बांटी और उनसे जो है उनके साथ वार्तालाप किया।
चंबा के लघु सचिवालय में पटी के सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्री मणि महेश यात्रा को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त भरमौर नवीन तवर ने की है। बैठक में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाने के लिए मणि महेश यात्रा के दौरान दुकानों की ओर से प्रदान की जाने वाली खाद्य वस्तुओं, कुली घोड़े और कचरों और टैक्सियों के किराए के मूल्य की सूची पर समीक्षा करने के बाद संबंधित हितधारकों से फीडबैक लेकर मूल्य निर्धारण करने की आवश्यक निर्देश दिए गए। तो रुख करेंगे हिमाचल फटाफट की ओर। बिलासपुर में भारी बारिश से तबाही, पीडब्ल्यूडी को लगभग 84.74 करोड़ का नुकसान। कुल 563 में से 442 सड़कों का हुआ नुकसान, 50 से ज्यादा सड़कें डैमेज। मध्य में सीपीएस राम कुमार चौधरी ने विभिन्न में हुए भारी नुकसान को लेकर के प्रेस वार्ता, उन्होंने कहा प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्र के पुनर्वास के लिए करेगी हर संभव प्रयास, विभिन्न के सभी संपर्क मार्ग और पुलों को जल्द किया जाएगा बहाल। बिलासपुर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मैराथन दौड़ का किया आयोजन, कॉलेज और स्कूल के युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में भाग। चंबा में चाइल्ड लाइन ने किया ओपन हाउस कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों को चाइल्ड लाइन टोल में फ्री नंबर 1098 के दिए गए विस्तृत जानकारी, पॉक्सो अधिनियम के संबंध में भी बच्चों को किया गया जागरूक। चंबा के कोटी में दंगल मेले का किया गया आयोजन, मेले में हिमाचल ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी आए हुए पहलवानों ने दिखाया अपना बल और लोगों का किया खूब मनोरंजन। ज्वाली में गिरा एक मकान का हिस्सा, बाल बाल बचा परिवार, स्थानीय पटवारी ने मौके पर पहुंचकर लिया नुकसान का जायजा। इंदौर विधानसभा क्षेत्र से जिला परिषद बीजेपी नेता राहुल पठानिया ने नूरपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया, उन्होंने ब्यास नदी के चैनलाइजेशन को लेकर उठाए गंभीर सवाल। चंबा में गोरखा सभा बखलोह ने किया शहीद दिवस आयोजित, स्थानीय लोग ने आजाद हिंद फौज के शहीद बेसर दुर्गा महल और अन्य स्थानीय सैनिकों के बलिदान को किया याद और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।